हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जुडिशरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी मतलब जितने भी कोर्ट हैं जो भी अदालतें होती हैं जजेस वकील ये सारे लोग जुडिशरी का पार्ट हैं बेसिकली कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने के लिए जुडिशरी की जरूरत होती है जैसा हमने ऑफिस मेमोरेंडम केस में भी पढ़ा था अब इमेजिन करो कि अगर जुडिशरी ना हो तो क्या होगा जुडिशरी अगर नहीं होती तो बड़ी समस्याएं हो जाती मान लो अगर कोई भी दो इंस्टीट्यूशन या कोई भी दो इंसान जो है किसी चीज पर एग्री नहीं होते तो क्या होता वो आपस में ही लड़ते रहते कोई बीच में मीडिएटर नहीं रहता तो हम आपस में ही लड़ते रहते तो जुडिशरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन का काम करता है अगर हम हमारी कंट्री का जो पूरा जुडिशरी सिस्टम है उसे प्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह से है सबसे ऊपर अपेक्स कोर्ट जो आ, होता है हमारा जो वो है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज फॉर द एंटायर नेशन सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए होता है पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में फिर स्टेट लेवल पे क्या होता है हाई कोर्ट जैसे आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो वहां पे अलग अलग हाई कोर्ट्स मिल जाएंगे हाई कोर्ट स्टेट के लिए होते हैं फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पे जो लोकल कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं वहां पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं तो ये एक हरारकी है हरारकी में सबसे नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है फिर हाई कोर्ट्स और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है इंडिया ज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी इंडिया जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है मतलब हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसे आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो तो सारे कोर्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कोई इश्यू ज्यादा सेंसिटिव है सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपा देना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो पहुंच जाता है तो जो हेरारकी हम देख रहे हैं ये आपस में इंटीग्रेटेड है एक कोर्ट का डिसीजन दूसरे कोर्ट के डिसीजन पर मान्य रहेगा आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है अब जुडिशरी क्या क्या काम करती है पहला जुडिशरी बहुत सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है कंट्री के सिटीजन्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जुडिशरी सॉल्व करती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी रिजोल्व किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच कोई डिस्प्यूट होता है मान लो मैं एक सिटीजन हूं और गवर्नमेंट ने मेरे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट कर दिए तो मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट चैलेंज कर सकती हूं गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर सकती हूं तो इसे रिजोल्व करने का काम जुडिशरी का होता है उसके बाद अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिस्प्यूट होता है तो वो भी जुडिशरी रिजोल्व करती है यूनियन और यूनियन uh, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट होता है तो वो भी रिजोल्व जुडिशरी ही करती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मतलब जैसे किसी भी केस में आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट सुना आप बोल रहे थे कि आप सही हो लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको गलत ठहराकर सजा सुना दी तो आप क्या कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोर्ट जा सकते हो मान लो कोर्ट ने भी आपको सजा सुना दी फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको बेगुना साबित किया तो आप बेगुना माने जाओगे सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील अपील मतलब उससे ऊपर कहीं नहीं जाओगे आप सिविल मैटर्स जो हैं जैसे जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हैं क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं जैसे किसी ने कोई मर्डर कर दिया ये जो क्रिमिनल केसेस हैं तो सिविल और क्रिमिनल केसेस में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन होता है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील ले सकते हैं और सुनवाई करवा सकते हैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है जैसे हम बोलते हैं कि हाँ जुडिशरी होनी चाहिए कोर्ट्स होने चाहिए लेकिन ये जो कोर्ट्स हैं ये अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी के ऊपर निर्भर ना होना तो जुडिशरी को जुडिशरी जो है उसका इस तरह का नेचर होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो और वो जरूरी है सो दैट द जुडिशरी कैन वर्क इम्पार्शियली फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट होगी लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो जुडिशरी का काम क्या होगा वो इम्पार्शियल तरीके से जस्टिस क्या दे पाएगी नहीं अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी किसी के प्रेशर में काम कर रही होगी क्या फिर वो इम्पार्शल तरीके से डिसीजन सुना पाएगी क्या न्याय फिर वो कर पाएगी किसी किसी के साथ पक्षपात नहीं हो ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा तो जुडिशरी बिना किसी को फेवर दिए बिना किसी के किसी से फेवर लिए काम कर सके और बिना किसी के प्रेशर के एग्जीक्यूटिव uh, हो चाहे लेजिसलेचर हो किसी का भी प्रेशर ना हो तो इस सेंस में हम कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए जो किसी भी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट ना हो क्योंकि जब वो डिपेंडेंट नहीं होगी तभी वो काम कर पाएगी सही तरह से अब बात कर रहे हो आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए लेकिन इस इंडिपेंडेंस को एंश्योर कैसे किया जाएगा तो टू पॉइंट्स हैं इसके थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हमारी कंट्री में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है जजेस का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं तो उन्हें अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऐसा है जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाता है जो जुडिशरी को पावरफुल बनाता है तो कैसा है ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस तो कैसा है अपॉइंटमेंट प्रोसेस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट सेंट्रल लेवल एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल आर अपॉइंटेड बाई प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अब देखो अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रेजिडेंट लेकिन किसकी एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अब प्राइम मिनिस्टर किस बेस पे एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अब चीफ जस्टिस जो है वो कौन बनता है सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस होंगे अब उन जजेस में से जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे एज के हिसाब से नहीं एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे वो किस बेस पे देंगे कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इससे इंडिपेंडेंट कैसे हुई जुडिशरी कि जो भी जज अपॉइंट होना है तो जजेस की अपॉइंटमेंट में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक आ, हुआ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन होगा चीफ जस्टिस अपने जूनियर जजेस से कंसल्ट करेंगे तो इससे जो भी जज चुन के आएगा वो जज कौन रहेगा वो जुडिशरी के द्वारा ही चुना गया होगा जुडिशरी के द्वारा ही चुना गया एक इंसान रहेगा तो इस सेंस में क्या है ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रह सकता तो इसका मतलब इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट का वो कैसा होगा वो फेयर होगा उसमें किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होगी सेकंड पॉइंट इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव अ जज अगर किसी भी जज को रिमूव करना है उनकी पोजीशन से तो उस रिमूवल प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहा जाता है जितने भी हमारी कंट्री में मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रेजिडेंट प्रेसिडेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो इन्हें अगर किसी इनकी पोजीशन से हटाना हो तो उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं जिसके लिए हम पार्लियामेंट में मोशन लाते हैं तो वो वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना हो हाई कोर्ट के तो क्या करना होगा मोशन लाना होगा पार्लियामेंट में मतलब एक प्रस्ताव रखा जाएगा उस प्रस्ताव पे वोटिंग होगी कौन वोट करेंगे पार्लियामेंट में जो एमपी है वो वोट करेंगे टू हाउसेज ऑफ जो पार्लियामेंट के हैं लोकसभा और राज्यसभा तो टू थर्ड द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट शुड वोट इन फेवर ऑफ द रिमूवल इम्पैचमेंट प्रोसेस के फेवर में अगर टू थर्ड मेंबर्स वोट करते हैं तो ही कोई जज रिमूव होंगे तो जजेस को रिमूव करना भी इट इज नियरली इम्पॉसिबल अब इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है इंडियन जुडिशरी को मोस्ट पावरफुल जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सकती है अगर आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन सही है क्या प्रोविजन गलत है तो उस इंटरप्रिटेशन के लिए आप जुडिशरी की मदद ले सकते हो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कोई लॉ बना दिया जैसे अगर ये लॉ बना दिया कि रात को 12 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता जो घर से बाहर निकलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अगेंस्ट हुआ तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो यहाँ पे जुडिशरी क्या करेगी इट डिटरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ मतलब जो भी कानून बन रहा है आपको लगता है कि ये कानून गलत है तो आप उसको चैलेंज करोगे और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट क्या करता है उन लॉ की वैलिडिटी देखता है लॉ सही है या नहीं है इस तरह से वो इंटरप्ट करता है जुडिशरी जो होती है दे हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मतलब कि आपने जो लॉ बनाया है उस लॉ को रिव्यू करने की पावर होती है जुडिशरी के पास जुडिशरी किसी भी कानून को फिर से चेक कर सकती है कि ये कानून सही है या नहीं और अगर गलत होता है तो उस कानून को जुडिशरी हटा भी सकती है जुडिशरी एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट मतलब देखो जैसे आप अगर पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे कहीं बाहर रह रहे हो तो जिनके साथ आप रह रहे हो वो आपके गार्डियन हुए तो वैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पेरेंट्स या हम कह सकते हैं फ्रेमर्स कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं हमारे पास तो कोई तो गार्डियन होगा कोई तो संभालेगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने का काम कौन कर रहा है अभी एक तरह से जुडिशरी करती है जो नागरिकों के अधिकार जो है जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उन राइट्स की रक्षा करने का काम भी कौन करती है जुडिशरी करती है अगर आपको राइट्स खुद गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर भी वायलेट करेंगे तो आपको न्याय दिलाने का काम किसका होगा जुडिशरी जुड़ी तो इस सेंस में भी कौन पावरफुल है जुडिशरी उसके बाद थ्रू पी आई एल जुडिशरी वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पी आई एल क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिगिएशन पब्लिक इंटरेस्ट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जनता के हित में है मान लो जनता के हित में क्या है जैसे पोल्यूशन से रिलेटेड वाटर सप्लाई से रिलेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड तो इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट में आने वाले जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिगिएशन के चलते पी के चलते जुडिशरी काम करती है जुडिशरी जो है जुडिश्री इंजॉयज हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी इसीलिए ये पावरफुल होती है और जब ये पावरफुल होती है तो जुडिशरी का जो कॉन्फिडेंस होता है लोगों के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है मतलब लोगों को विश्वास है जुडिशियल सिस्टम में तो जुडिशरी इंजॉयज द कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल क्यों क्योंकि वो इस चीज को फील करते हैं कि जुडिशरी अपना काम इम्पार्शियली करेगी सो so, स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था आपका चैप्टर कम्पलीट हो चुका है होप आपको समझ आ गया होगा थैंक यू